हमारे खास कार्यक्रम पंचायत लाइव में एक बार फिर आपके स्वागत बा। इस समय हम आगेल बाटी घुनगुन कोठा गांव में जहां पर हमारे साथे यहां के किसान बाटे जिनसे हम बात करब। अब की पारी सरकार जो बजट पेश कैले बा ओमन किसानन के बहुत हित के बात कैले बा, सब बीमा योजना के बात कैले बा, लोन के बात कैले बा, साथ ही उनके खरीफ के फसल के जोन बा डेढ़ गुना के बात कैले बा। तो कितना अब किसान ओसे खुश बाटे, कितना किसानन के फायदा मिला तक अब तक सरकार जोन कैले बा, ऋण माफी योजना कैले बा, तमाम जोन कैले बा ओमन किसानन के हम बात करी। तो किसान कुछ नहीं हुआ है, किसान के लिए एक मिट गोली दे दे गए बा कि किसान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसान तो दम पतान है बेचारे, उनका कहीं कहीं नहीं फायदा बा। लेकिन एक वही वोट की राजनीति है, लोग परेशान करते हैं किसान को, किसान को कहीं फायदा हो रहा है कहने के लिए। योगी जी ने कहा, योगी कहल कि हम ही करब वो करब, लेकिन उनकी आंखी के सामने बा डोमिनेट पुल अब अधूरा बना ही बनल, अब बाढ़ आई लाल यहाँ की जनता लोग बहुत परेशान रहना है, लेकिन पुल उनका निगाह में नहीं आता। 50 करोड़ दे दें उससे हमसे कौन मतलब बा, जब तक पुल नहीं बन जाए यहाँ के लोग कैसे तरक्की हुई। खरीफ फसल पे बात कही गई बा लागत के डेढ़ गुना कही लेके है? कुछ नहीं, वो वादा करत आते लेकिन करत कुछ नहीं बाटे। लोन के राशि बढ़ाकर 11 लाख करोड़ कही दिया गया, लोन बढ़ावे बात कही गई बा, कितना फायदेमंद हुई। अब आगे जेकर कही होगा तेकर कही होगा, बाकी छोटे गरीब के तो कुछ नहीं कही, बड़े किसान के जो होकर बोलता होकर कर, बाकी गरीबन गवार खातिर तो कुछ भी नहीं कही। हाँ, तमाम तरह के कहल करें अच्छी 99 बरस का उम्र है, पिंचनियों पाँव तली हो ना पाँव थी। हाँ, 99 बरस का उम्र हो गए अब का सरकार खाती, लेकिन किसानन खरी सरकार तो कहला सबकी बजट पर जेटली जी पेश कहला तो कहला किसानन खरी सब हुई। हाँ तो ना देते हुए कहे के ना मुहावस कहे ना देते हुए दे, लेकिन भाजपा लोग तो कहा था कि जानकारी के अभाव बा किसानन में, जानकारी है नहीं बा। ओ जानकारी भले करे बाकी दे दे तब तो हमें मालूम हो का ऋण माफ करब और ओकरे बाद जोन बा तमाम तरह के वादा कैले बा, स्वास्थ्य बीमा योजना के बात कैले बा, तमाम तरह के बात कैले बा। किसान के लिए तो सरकार कुछ नहीं कैलस, और जोन भेजले बा वो किसान हित में नहीं बा, किसान परेशान बा। आलू का रेट देख लीजिए, कहीं भी कोनो तरह का नहीं बा जोन सस्ते लगा किसाने के, खाद पर सब्सिडी भी नहीं समझ मिल पावता कि कहाँ सब्सिडी आवा कहाँ से आवा था। किसान लेता लेकिन खाली कागज में बा अखबार में बा कि सब्सिडी मिली, लेकिन कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं बा, आए वाला दिन और बुरा जाता। स्वास्थ्य बीमा के बात कहल गया 50 कहीं हिसाब उठी पर नजर नहीं आता धरातल पे कि किसान के बीमा होता उससे कुछ किसान के फायदा बा। अगर मान लो अस्पताल में निःशुल्क सुविधा बतियावल गया कि इतने की दवाई किस तरह की अखबार में तो बा व्यवस्था सब अखबार में बा, लेकिन जो अस्पताल जाए तो कोनो सुख सुविधा ना मिल पावता, वो पैसा खो जाता था, डॉक्टर लगे जाए तो पैसा चाहिए उनके, तो इतना किसान लगे कहाँ पैसा बा जो हर जगह जाकर पैसा दे। पहले सरकार वादा के तब उनको हटा दिया गया, अभी सरकार के बड़ा उम्मीद से ले आवल गए, इन कोनो फायदा ना है पौलस लगातार आगे भी ना कोनो बात या भाई कहा से किसान के खातिर सब बात करला और काम केहू ना धरातल पर करला। केंद्र सरकार के तो 1 साल बचल बा मान ला तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के हाँ तो उम्मीद जनता के रही रहा यही ना तो इनको वोट दिलस कि 15 लाख रुपया खाता में डाल दिए और का बोला सारा सुविधा दिए हैं, काला धन ले हैं कुछ नहीं कैले किसान के कुछ नहीं, किसान खाली रोवत अटे आलू के दाम देख ली रोज कुछ नहीं, का किसान खातिन का बा इनके लगे तो खाली व्यापारी खातिन बा, धीरू भाई अंबानी खातिन बा और दुनिया भर के जन बड़े बड़े व्यापारी बटे उनके खातिर, छोट किसान खातिर काम मिल रहा है साहब कुछ नहीं मिली। फसल अभी अधूरे में है, एक बार हुआ था कि इसका माफ कर देंगे ये कुछ नहीं हुआ। लोन बढ़ाने की भी बात की गई है, लोन भी दोनों बढ़ा दिया, लोन बढ़ा करके किसान गरीब किसान के ले करके क्या करेगा, उसको भरना पड़ेगा, जिसको क्रेडिट कार्ड रहेगा वही ने लोन लेगा, गरीबों के लिए क्या मिलेगा। गरीब किसानों के लिए मकान के लिए कहा गया है, बाकी हमारे कई गांव में एक मकान नहीं आया। कितना फायदा मिला था, एक रुपया ना बीमा तो हम कर ले हम तो अब नहीं कहे माफे नहीं भाई। हाँ, 1 रुपया बीमा ना कर्ज माफी बात कर, हाँ कर्ज माफी तो 1 रुपया नहीं माफ भैया।
नहीं हम हो जाए कर्जा ले ले आपकी बजट बड़ा बन अरे भैया हम कर्जा ले ले हैं कर्जा ले ले हैं लेकिन लोन मोफर नहीं माफ है कुछ नहीं कई सरकार तो बड़ा वादा कही ले वादा कर दिया ना लेकिन झूठ वादा कर दिया तना के लोग तो कहा था कि कुछ नहीं कैले बा सरकार और आप जो बा कहते कि भाई सरकार का कैलस कुछ तो नहीं कैलस है लोगन लगे किसान का बजट उसका उस कैटेगरी में वो सीमा में ना आवा था तो जब वो में ना आई तो माफ कैसे हो ओकर एक सीमा निर्धारित बा ना कि हे सन से हे सन तक कोई इतना टाइम से इतना टाइम तक कोई आगे पीछे कोई देवे कैसे माफ है उसमें कैसे आई ये लिए वो बेचारे के ना माफ भले तो अपन भाषा बोलता हूँ तमाम तरह की बात कही लेवा बजटवा में तो बजट जो किया है वो तो फर्स्ट क्लास आई रहा हर आदमी को उनका लाभ मिलता हुआ कहीं कहीं लेकिन अब जादू का छड़ी तो है ना अचानक तत्काल मिल जा वहाँ से भाई यहाँ मिल जा समय लगी अब गांव के आदमी वो पेपर पढ़ाता हर चीज जान नहीं पावाता चीजों को आने में टाइम लगता है जैसे जैसे अपन समय बीती धीरे धीरे सब दिखाई लगी जमीन पे बीमा 5 लाख के बीमा कहले बा 10 करोड़ जी 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 लाभान्वित हुई है तो कितना वो सही तो ये सर कि वो बहिन जमीन पे आई नहीं पोले बा ओके लोग जानी नहीं पोले बा 4 साल बीमा कराई नहीं पोले बा अखिलेश सरकार रहल ना ये हमारे गाँव में बतावा एक आदमी जो बीमा करो लोग 4 साल हो गए 4 साल है वहाँ से चला था लेकिन जमीनिया पहुँचल ना लोग जानी नहीं पोला प्रचार प्रसार ना भले तो हमें ना आई ना लाग ले पा लाभ लोग ले नहीं पावा अब बजट तो बेहतर है पेश बा लेकिन अब लाभ लोग ले पावे जागरूक हो जागरूकता नहीं हो पाती इसलिए हम छूट जाते हैं लोगन के तो कहल का भाजपा बड़ा विश्वास से ले आई लाना भाजपा बहुत कुछ करी लेकिन भाजपा तो देखा था की लोगन के हिसाब से तो कुछ ना लगा था अब हम गांव पे बांटी हमें लगा था चूंकि सही हम बगल में है भी मुख्यमंत्री के लेकिन अब थाल में परोस के तो कुछ ना मिल जाए थोड़ा हमें भी चले पड़ी और चले परी जागरूक हो परी जागरूक हो तो जो चीज सरकार देते कुल मिली गाँव के तो किसानन खातिर तो ना ही कुछ दिखाई देता जमीनी पे किसान जब चली है आगे तबन हुई अब मारबेला का है कितना दे दिया फायदा कम दिया से है किसानन के जो कहा थी यार तुरंत तो देना देतिया खातम देला फैलिम धैला टाइम लगी तो टाइम लगी जब जाएगा तो मुफ्त हो खातिर जितना ये अपने आप बयान में दहले आते हैं उतना तो होबा करे किसान के लिए जो है किसान के लिए सरकार बहुत कुछ की और कुछ भी नहीं किस किसान को किए किसान तीन तरह के होते हैं छोटे किसान मझोले किसान बड़े किसान को ही जो भी सुविधा मिलता है उन्हीं को सुविधा मिला छोटे किसान को बहुत कम सुविधा मिला मझोले किसान को कुछ भी नहीं मिला आपकी बजट जो पेश किया गया उसे जब सरकार हमको जो वो उस चीज का बेनिफिट जब देगी तभी हम कुछ कर पाएंगे हम तो बड़ा खुश हैं कि सरकार हमको जो है बीमा योजना की बात की गई है वो भी हम जैसे किसान जैसे 60 साल के ऊपर है उनका बीमा होगा ही नहीं तो वो अपने आप मर जा जो 60 साल के नीचे किसान है उनका होगा है? उनका होगा तो साफ कहना कि कुछ नहीं कहल गया और आप कहा था कि इतना आई जमीनी पे आई कहीं आप देखिए उस पर हमें बहुत टीका टिप्पणी नहीं वो बड़े भाई हैं और सबके अपन अपन सोच है अपन अपन पहुंच है जितना वो पढ़त आटा जितना जानत हम उतना वो बोलने वो कहे है ना कैलस तो बहुत लेकिन एक तो घर में रह जाए जो घर में रह जाए तो कुछ ना पाए मंदिर जेबे तब पे कुछ पैबे मंदिर ना जेबे जल ना चढ़ेबे तो शंकर जी के आशीर्वाद अपने आप ना मिले आपो के दो कदम चलिए चीजों को जानिए कि कहीं ना कहीं किसान है दोषी है बाड़ा ना, ना ऐसा नहीं है हम कहा कहते हैं किसान दोषी है लेकिन हम अहू के कुछ करे पड़ी हम सरकार के कौन योजना पर जनबे नहीं करब वो कलब कैसे पाए अरे तो योजना बतावे चाहे ना गावे गावे घूम के हाँ योजना बतावल जाता अब इन दो चार छह महीना भले धीरे धीरे 4 साल जो आप कहली है कि योजना चल रही 5वां साल लास्ट होता तो जोगिया जी और मोदी जी ना रहना ओकरे पहले और लोग रहना लेकिन प्रचार प्रसार ढंग से ना हो पौलस न सजी लगो आप मिले लगल देखिए किसान अब की बार बजट में सबसे ज्यादा किसानन पर जोर भी दिया गया आप पेपर देखले हो सारी चीजें आई हैं लेकिन कूद के तैयार आ जाई अब वहाँ से चलल ब तरीके से भी धीरे धीरे महीना भर भर 6 महीना आते आते बीमा वाली बतिया जो किसानन के मुफ्त बीमा वाली हाँ प्रचार प्रसार कर जाता लोग जाता हूँ बीमा होता बीमा कराओ उसका लाभ मिलेगा चूंकि जब आदमी प्रयास करी घर में से निकली तब तो कुछ पाई और मिलेगा हर चीज मिलेगा ऐसा नहीं घर देवले के भी वादा कैल गेल बा प्रक्रिया तो चला था जो उस कटगरी में आई मिली ओके
अब सबके पूरे देश के कहां तेल मिली जे कटघरिया में आज तेल पाई झुनझुना तो अब ओनो भैया वो तो नहीं नहीं मानक तो रहा हमेशा बिना मानक का कुछ ना मिली। आप चार भाई बांटे आपके पिताजी कुछ दे चाहिए जो लेकर जरूरत जोन रही तौन दी है तो साहब कहल बा की पिछली सरकार भी झुंझुना पकड़ेला सब की सरकार झुंझुना पकड़ावत। अब ये तो इन लोगों के दिल का दर्द है कहीं कहीं वो निकल के आएगा रहा है पुराना जो दुख दर्द है उतर निकलबे करू चोन कहल गलत थोड़ी ना वो आज का दर्द थोड़ी ना। तो यही तरह हमारी चर्चा जारी रही आगे भी हम ए लोगन से बात करब ले ताटी एक छोटा सा विराम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके स्वागत बा। हम बात करते रहली बजट पेश कैले बा जौन सरकार ऊपर किसानन के तमाम हित के बात कैल गेल बा तमाम तरह के लाभ देवे के बात कैल बा लोन के बात कैल गेल बा फसल ऋण माफी के बात कैल बा स्वास्थ्य बीमा के बात कैल गेल बा तमाम तरह के सपना दिखावल गेल बा तमाम तरह के बात कैल गेल बा। इनका ही कहल बा कि अगर जमीन पे दिखाई दे तो निश्चित तौर पे किसानन के लाभ होई। कुछ और किसान हमारे साथे बाटे हम उनसे बात करब। चाचा जौन बात कैल गेल बा सरकार कहले बा का कहल चाहत हती हम तो राय खातिर कह देले सरकार जनता के या गरीब दुखिया कौन थी ना यहाँ तक लेकर 50-80-90 बरस का सब बाटा वृद्धा पेंशन में अभी तक नहीं मिला दिन तीन जाए गई किसको मिला वृद्धा पेंशन वो है वहाँ सब तमाम तो है तो कह रही है कुछ कर तो नहीं रही है। बस किसान के लिए अभी किया नहीं है वो उद्घोषणा कर दिया है कि हम किसान के ये सामान देवे बीमा देवे उनके खाद पानी देवे सारी व्यवस्था उनको सही ढंग से मिलेगा लेकिन ये हर सरकार ऐसे कहती है पिछली सरकार भी यही कह करके गई ये भी सरकार यही कह रही जब किसान को कुछ मिले तब न लेकिन लोन लेकर हम क्या करेंगे जब हमारे खेती में पैदावार नहीं हुई हर चीज जो है महंगा है खाद है डीजल है पानी है ये सारी चीज हमको पैसे से खर्च कर एक एकड़ में हमारा 7,000-8,000 रुपया खर्चा होला और वो खर्चवा के जब हम भरपाई कई पाइपे तब न हम वो पे खुश हो पे वैसे तो सुना ताटी खुश बाटी कि भाई सरकार हमारा बड़ा सहयोग कर दिया है। कहा था बाकी जब पाई तब तो के गाई और जब पौता ना है तो कौन चीज के हम गाई जब नहीं पाता तो कई आप कहते हैं बाबा हम तुम्हें खाना दे बाबा खाना दे हम दौड़ के आपके द्वारे गए दे और खाने में ना पाओ थे तब का कौन गुड़ गाए। सरकार दबाव दबा देखिए सरकार पूंजीपतियों की सरकार है सरकार टाटा बिल्ला का है ओम प्रकाश जलाल का है गरीबन के नाई है गरीबन के तब कहे तो बहुत कुछ कहल वित्त मंत्री कहल आदित्यनाथ जोगी जी कहल आदित्यनाथ जगत बेला माई लल कहल की बाढ़ आई लल हम आई कह दे भाव कह दे लेकिन कुछ ना ही कहीं एक को घर जो घर गिरल लाल कुछ ना मिल रहा बजट तो तमाम तरह के कुछ नहीं एकदम झूठ है एकदम झूठ बोला टाटा बिल्ला के लिए करता हूँ प्रकाश जलान के करता था ये पूंजीपतियों की सरकार मोदी पूंजीपति है मोदी पूंजीपति के सुनता था लेकिन गरीब फसल पे न्यूनतम मूल्य कहल गए डेढ़ गुना कर ले कुछ नहीं कागज 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 में कहना की हाई कह दे भाव कह दे लेकिन यही गाजगरी साहब सड़क के निर्माण उठी बजट बोल के गई लाई करब हाउ करब लेकिन कुछ नहीं कही एकदम झूठ है एकदम मकान भी बनावे के बात कुछ नहीं एकदम झूठ है एकदम झूठ है वादा कैला और कुछ नहीं सब चौधरी चरण सिंह नहीं हो सकला कि अगर सरकार कुछ कैला हम मन के तो चौधरी चरण सिंह कैले रहना वही की नहीं करता बाबू कह रहे तब तो होके मानी जब कुछ करता ना है खाली कह देता है आज ले कुछ दिया तो कौन चीज के पानी जब पानी तब तो के माने क्या गांव में कौनो घर नहीं बनल बा क्यों घर नहीं बनल बा। बात तो सरकार कर ही रही है बाकी मिल नहीं रहा है हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी हाँ खेती बाड़ी वैसा ही बिगड़ गई खाद के लिए खाद नहीं मिला सब परेशान हैं कहाँ सरकार खाद दे रही है बिले पे खरीद रहे हैं 500 रुपया बोरी यूरिया खरीद रहे हैं हम लोग क्या करें बिले से बिले खरीद के सपोवत हुआ हाँ और खाद
सरकार कहाँ देती है। अरे मेरा तो ना मेरा बेला बेला वाह बगिया तीन तीन चाल से ना देता हूँ। हाँ वो बड़के बड़के के देता हूँ, छोटे खसकार के ना देता हूँ। हाँ जैसे छोटका परेशान बजा दे। हाँ खाली परेशान छोटका हुआ। हाँ बढ़कर के किया घर चढ़का चोट चल जाता और छोटका एक बोरिया ना पावत हुआ। अरे कहाँ दे रहे हैं बतलावे तीन चाल से खाद कहाँ दे रहे हैं छोटे खसकार के बतलावे के तीन चाल से सीओ दुके दुके हमें यहाँ लोग के तीन साल से छोटे खसकार के खाद दे रहे हैं सब खाद भी लेके ले सब बहुत बहुत हुआ। युवाओं को रोजगार की बात कही गई बा और कहा गई बा कि तमाम तरह से रोजगार भी मिली युवाओं के, लेकिन युवाओं के रोजगार तो लोगन के मिला था। अरे हम लोग ऑटो चला के अपना परिवार बच्चे जिलाते हैं और हाई स्कूल इंटर पास भी है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ जी नहीं मिला तो युवाओं को रोजगार नहीं नहीं कहीं नहीं है। प्रयास करत में आधा उम्र बीत गया। प्रयास करत आधा उम्र बीत गई। कमाई खाई जाता है अपन रोजी रोजगार। हम सरकार तो कह दिया कि हम रोजगार जब हम के ना कोई मिलल तो कहा जानी तो भाई के बाद तो बहुत कह दिया कि हम सुविधा सब देता नहीं। भैया को ना सुविधा पोले बाटी आज तक देते। अभी तो बजटवा पेश भैया तो कहला था कि सब किसान के और युवाओं को रोजगार दे। अब जाए पौनी तो हम कहा जानी जब कोई ना पौनी अपन पढ़ लिख के अपन कोने तरह से जेल खाई जाता। पिछले सरकार और अभी सरकार में क्या अंतर कुछ लगा था कि रोजगार मिली। अब रोजगार तो क्यों सरकार में ना पौनी झूठ का बोल क्यों सरकार में ना। हाँ हाँ दिलासा दे के जेल खाई जाता अपन भैंस गाय पाल के खेती बाड़ी किसान का मौत कुछ और लोग हैं ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे। चाचा ये बतावा जैसे फसल की माफी हुई तमाम चीज बात और लोन के बाद कहल गई बात तमाम वादा कहल गई बात अगर सरकार दे तो फायदा हुई। अरे दे फायदा का नहीं जब दे फायदा जरूर हो। अरे हाँ कहल गई बा कहल तो जाता जब दे सरकार तब न फायदा हुई जब ले ना पाओ जाता तब ले कौन संतोष कर। अरे हाँ जब मिल जाए तब ना कहते पावे तब ना बजट और सहयोग है। और लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि देखिए सरकार तमाम वादे की है कि इस बार बजट पेश किया गया है उसमें तमाम तरह की वादे किए गए हैं। क्या कहल चाहता नहीं कितना सरकार जो किसानन के लाभ पहुँचावा दिया। सरकार बहुत अच्छी है बड़ा अपना अपना विचारधारा है हमारे समझ से सरकार बड़ी अच्छी है आने वाले दिन में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अगर किसान नहीं खुश रही है ग्रामीण नहीं खुश रही है फिर जैसे पिछली सरकार खातिर रहल की कुछ नहीं कैलस अब की सरकार खातिर विभाग कुछ नहीं करती है तो कैसे आप कह सकते हैं। एकदम जो भी विकास हो रहा है साल भर बाद पता चलेगा। चार साल तक हो गए विकास सड़कों का जाल बिछ गया कभी था ही नहीं। आप जिधर नजर उठाइए पूर्वांचल में एकदम फोर लेन नजर आए। किसानों की बात कर रहे हैं किसानों का भी हित हो रहा है एकदम मान लीजिए अभी तमाम 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 अभी लोन माफ कर दी सरकार क्या चाहिए गौर तो डाली नहीं सरकार मुहिम में। क्या कहता ना कि बंधा में कट गई कितना पैसा पहले आपदा आ गया तो बंधा कट जाएगा फिर बंधा बदेगा टू लाइन होने जा रहा है वो बंधा जिस बंधे पर हमारे चाचा जी प्रश्न कर रहे हैं वो बंधा टू लाइन होने जा रहा है फोर लाइन से एकदम रास्ता गोरखपुर के लिए जा रहा है। बीमा योजना योजना की बात कही सब सब पूरा हो रहा है धीरे 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 पूरा होगा एक बैग नहीं पूरा होगा। लोगों की अलग अलग विचारधारा है लेकिन भाजपा फिर आएगी 19 में कोई विकल्प नहीं है। नहीं देखिए भाजपा फिर आएगी ये बात तो ठीक है मान लीजिए सपा आएगी भाजपा आएगी लेकिन जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है किसानों से बड़ा कोई नहीं है। शांत है किसी सरकार में अपराधी शांत नहीं थे जितने अपराधी आज शांत है जितना काउंटर हो रहा किसी सरकार में दम नहीं था कि काउंटर करने के लिए। देखिए किसानों को भगवान कहा जाता है किसान कहा जाता है कि अन्नदाता होता है अन्नदाता पर खुशहाल हैं किसान एकदम खुशहाल हैं विरोधी तो विरोध करेंगे। देखा आपके सामने देखिए कहा था ना कि किसान पर खुशहाल। अरे साहब हम लोग की खेती कट गई वो खेत में बालू भर गया है फिर धान का फसल गया गेहूँ का फसल गया हम लोगों को कुछ नहीं मिला। रोजगार की बात कर रही है रोजगार के लिए करेंगे बाढ़ आएगी योगी जी अगर सर नहीं जिस हिसाब से बोले थे उस हिसाब से नहीं है। हाँ नहीं कर रही है नहीं 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 कर रही है नहीं जिस हिसाब से मोदी जी बोले थे कि इतने का हम रोजगार देंगे
उससे प्रतिशत बहुत कम है। फिर तो बजटवा में रोजगार के बात कही गई बा। बजट में रोजगार का बात कही, देखिए क्या करते हैं खाली सब। मजदूरों के ऊपर कुछ बोले ही नहीं है, बजट में कुछ दिया ही नहीं गया। हाँ सर, ये भी नहीं दिया गया है। अरे तो अब देखिए, अब तो चले रहे, चार साल हो गया, 2019 भी आने दीजिए। क्या है आपके सामने में कहा था चार साल हो गया और आप कह रहे हैं कि उनको गलत जानकारी है, उनको अनुभव नहीं है इसलिए कह रहे हैं। हाँ। जी कर रही कुछ तो एकदम कर रही है, इतना जानी तो कहा था। खास करके जाइए देखिए, चर्चा है, गोरखपुर के मुख्यमंत्री है, सौभाग्य है इस धरती की, और अपराधी तो एकदम बिल्कुल शांत है। तो ये रहे वो इनका कहना है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ करेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है, और इनका साफ कहना है कि सरकार केवल जो है दिलासों का वादा करे। तो ये बताइए सरकार करत है के कहा झूठ बोलता थे, उनका खेत बही गई, बालू आ गई, आज तक कुछ नहीं कह पाइए, वो क्या बताइए, एकदम झूठा आदमी हो। उनकर खेत बन्ना कटल अबालू आ गई। अरे भाई जेके चाहे टुकारी करे बाबू करी, लेकिन बैठे पूछिए इनका मिला था का नहीं मिला था। हाँ उनके उनके का पता है, वही वही कह रहा वही वो का। योगी जी हमारे मतलब जिले के मुख्यमंत्री हैं सर, हमारे यहाँ पूरा बंधा पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो बांध कटा हुआ है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार लाभ पहुँचा सर, अभी तक कुछ नहीं पहुँचा लाभ यहाँ पर हम लोगों यहाँ। रोजगार तो कई युवाओं को देंगे नहीं कुछ, यहाँ एक को युवा नहीं पाए, झुनकोठा मंझरिया उत्तरासोद तक का। अरे तो जाएंगे काम करना चार बार तब न मिली। अरे सर जा जा के घूम के आ रहे हैं हम लोग वहाँ से, गोरखपुर से रोजगार के साधन उपलब्ध करावे के बात कहेंगे। अरे सर उपलब्ध पता नहीं कब होगा, इस समय तक जमा कावल जाता बिजली जमा का कावल जाता और आवा था तो कहा था 6,000 हो गए, ऐसा था जमा का कह दी कैसे 3-6,000 हो गए, अब कैसे हो कहती हल जा। अरे दादा बड़ी सांसद बा का कर नाम बा खाली पतन बा धनी पतन बाप का बताओ। सरकार जो है सरकार की नीति ही गलत है, सरकार जो बना रही है नीति ही गलत है। प्रेमी को छोटे छोटे लुभावन देकर और बड़े बड़े लोगों को अपने बस में कर करके फालतू होल ले रही है। इनका साफ कहल बा किसानन के कि जौन बा कुछ लोगन के कहल बा कि फायदा मिला था, कुछ लोगन के कहल बा नहीं मिला था। हम ये लोगन से जानल चाहब कि आखिर में कितना फायदा मिला ये सरकार में भाजपा सरकार की मिलल ना। असल बात उनकर खेतवा में जब बोलिया रहा जोगी जी आके हटा देना, ये लिए वो कहना है। हम ऐसे नहीं कहा कि बावन गांव की समस्या का मामला है, अगर योगी जी मुख्यमंत्री बात है तो बजट अगर अच्छा काम करते हो छोटे किसान के मिले वो प्रकाश जलान के देते हो टाटा बिलाक देते हो उससे हमसे का देखवा। लेकिन हमारे एक तो बात आपके माध्यम से कि अगर योगी जी वास्तव में मुख्यमंत्री बात है तो 2 मिनट का पूरा ये फाइनल करवाते हम जान जब की मुख्यमंत्री बात है। किसान खातिर तो बड़ा पूछे नहीं है, ये बाढ़ आये लाल सब भागा था घर द्वार छोड़ के, अब कुछ नहीं रहा, वादा तो बहुत होता कुछ नहीं होता। तो कुछ ना एकदम झूठ तब बोला था, अब जे चाटुकार रही भाजपा बोलबे करी नहीं कितना तो बालू उठा जाता थे योगी जी मोदी दी और दूसरे नहीं उठा जाता थे। सही रहना ग्रामीण जिनकर साफ कहल बा कि सरकार किसानन खातिर जौन वादा करती है अगर वो जमीन पर दिखाई दे तो निश्चित तौर पे किसानन के स्थिति जौन बा वो सुधरी, लेकिन सब बातें जौन रहा बा वो किताबन में रह जाता चाहे वो पन्नन में रह जाता। कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ पंकज श्रीवास्तव, लाइव टुडे गोरखपुर।